हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, काफी सारे जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं हम कर चुके हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट में, वो हम करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाए। और मेन ये लेक्चर है कि भाई कोई डाउट हो आपको इस चैप्टर में तो आप पूछ सकें, ताकि क्योंकि ये चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है, तो कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप स्टार्टिंग से ही पूछना शुरू कर दीजिए। शुरू में ही आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, ताकि इस लेक्चर में हम वो क्वेश्चंस कवर कर सके जिनमें आपको डाउट होगा। तो बच्चों चलिए, तब तक हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और बाकी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें बच्चों आप क्या करेंगे, इसमें वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आप ध्यान से ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे उनको सॉल्व करेंगे। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का। तो एक्सरसाइज 12.3 करेंगे हम, उसका 11th क्वेश्चन देखिए। आप अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति यहाँ पे दी हुई है आपको, इसमें क्या है, सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं एक वर्गाकार रूमाल पर। तो वो डिजाइन देखिए कैसे हैं आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। कितने डिजाइन है टोटल, ये 9 डिजाइन हैं। आप गिनेंगे तो 9 डिजाइन, 9 सर्कुलर डिजाइन यहाँ पे मिलेंगे। तो क्या दिया हुआ है, प्रत्येक की त्रिज्या आपको दी गई है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आप बताएंगे। तो किस प्रकार से आप बता सकते हैं रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल, उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन, और फिर आप इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आप एक बारी इसको सॉल्व करके देखिए, मुझे बताओ कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, और क्या आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है। जल्दी से बताइए, यहाँ पे क्या बताना है आपको, शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि जहां पे डिजाइन बने हैं उसको हटा देना है, उस भाग को हटा देना है, और जो बच गया भाग, जैसे जो ये सफेद वाला बीच में आपको पोर्शन दिख रहा है, जैसे ये हो गया, ये इन सब को मिला के आपको जो क्षेत्रफल आपका होता है वो आपको बताना है। तो कैसे निकाल सकते हैं इस बचे हुए एरिया का क्षेत्रफल, ये मुझे बताइए। आप एक बार ट्राई कीजिए खुद, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों कैसे इसको अप्रोच करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, त्रिज्या दी हुई है। क्या दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है। किसकी त्रिज्या दी हुई है, ये जो वृत्ताकार डिजाइन है इसकी त्रिज्या दी हुई है, यानी रेडियस यहाँ पे कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो पता लग गया रेडियस का 7 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे अप्रोच क्या यूज करेंगे वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो ये है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाए, वर्ग का क्षेत्रफल अगर आ जाए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम क्या घटाएं, जो ये 9 वृत्त हैं इनका क्षेत्रफल हम घटा देते हैं, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं तो बाकी का हिस्सा बच जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा है, यही हमें निकालना है। तो अब इसके लिए हमें एक तो वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए और एक वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, जिसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रुमाल रुमाल के शेष भाग का रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल
माइनस क्या करेंगे आप, नौ व्रतों का क्षेत्रफल, नौ व्रतों का क्षेत्रफल। अब इनके फॉर्मूले आपको आते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, भुजा का वर्ग, ठीक है। लेकिन भुजा तो हमें पता ही नहीं कि वर्ग की भुजा क्या होगी, ये निकालनी पड़ेगी हमें, क्या निकालनी पड़ेगी, वर्ग की भुजा, इसकी जो साइड होती है वो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी त्रिज्या हमें गिवन है, किसकी त्रिज्या दी हुई है, ये त्रिज्या दी हुई है बच्चों यहाँ पे सर्कल की, वृत्त की, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दो गुना व्यास हो जाता है, यानी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया। तो आप देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए हमें, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये कितना डिस्टेंस होगा, तीनों जो व्रत है उनका व्यास को मिला के जो डिस्टेंस होगा वो इसकी भुजा हो जाएगी। तो जो इसका व्यास आया है एक व्रत का, उसको हम तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 42, 42 क्या आ गया, 42 सेंटीमीटर आ गया, 42 सेंटीमीटर क्या हो गया, आप वर्ग की भुजा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर, या फिर भुजा का वर्ग साइड स्क्वायर, माइनस अब हम नौ व्रतों का क्षेत्रफल निकालना है तो जो व्रत का क्षेत्रफल है उसको नौ से भाग कर देंगे, व्रत का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे साइड है 42, 42 इसका हमें स्क्वायर करना है, वर्क करना है, माइनस 9 इंटू पाई कितना होगा, पाई यहाँ पे 22 बटे 7 लेंगे क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं दी हुई, और आर कितना हो जाएगा, 7 आर दिया हुआ है हमें, इसलिए आर को हम 7 लेंगे। अब देखिए 42 है, 42 को आप कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, यहाँ पे या तो आप करेंगे 42 इंटू 42, ठीक है, 42 इंटू 42 करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, या फिर इसका बच्चों शॉर्टकट आप लगा सकते हैं। शॉर्टकट तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए 42 का वर्ग करना है, बहुत सारे इसके शॉर्टकट तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको अलग वाला तरीका सिखाने वाला हूँ। तो देखिए दो डिजिट्स का, दो अंकों का कोई भी नंबर है उसका वर्ग कैसे करते हैं हम, ये यहाँ पे सीखेंगे। कोई भी नंबर है मतलब यहाँ पे आप 10 से लेके 99 तक किसी भी अंक का आप वर्ग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो इकाई की डिजिट है, यूनिट डिजिट है, उसको आप क्या कर लेंगे, उसका स्क्वायर करके लिख देंगे। तो सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर लिख देंगे, कितना आ गया, दो का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। फिर जो बीच में लिखेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, देखिए इसको और इसको, इसको इन तीनों को गुणा करके आप लिख देंगे, 4 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 का 6 एक हासिल जाएगी तो वो इसमें जाएगी ये कैरी, ठीक है, वो जो अगली वाले अंक आएंगी उसमें कैरी जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो 4 बचा, जो ये वाला अंक बचा, इसका वर्ग करके आप लिख देंगे और जो हासिल होगी कैरी होगी वो जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे कोई कैरी बचती तो वो यहाँ पे कोई हासिल बचती तो अगले वाले में आ जाती, इस तरह से आप करेंगे। तो देखिए 4 का वर्ग कितना होता, 16, और एक हासिल 17 आ गया, तो 1764 इसका वर्ग आ गया। कोई भी अंक आप कर सकते हैं, कोई भी दो डिजिट का नंबर आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा, तो 1764। ये ट्रिक है बच्चों, इसके लिए अगर आपको और अच्छे से इसको सीखना है, अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो और एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूंगा, आप पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कीजिए, चैट के माध्यम से आप पूछिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस पे और एग्जांपल हो, ये आपको अभी समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो रहा है,
तो अभी के अभी पूछ लीजिए, मैं कुछ और एग्जाम्पल की मदद से समझा दूंगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, आप इसको यूज कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक को। ये थोड़ा है, क्या है, आपका समय बचा देगी ये ट्रिक, ठीक है। तो आपको लिख के भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बच जाएगा, 9 × 22 × 7 ये बच जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 17 × 64 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 × 7 22 × 198 होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 198 और 7 को, कितना आ जाएगा, 1764, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 7 = 56, 5 × 7 = 9 × 7 = 63 और 5 × 8 = 68, 6 × 7 = 7 × 7 = 13, तो 1386 आपका यहाँ ये आ जाता है मल्टीप्लाई करके। इसको आप माइनस कर लीजिए इसमें से 1764 में से, और 1764 में से 1386 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर है जो बचा हुआ हिस्सा है, शेष भाग है रुमाल का, उसका कितना है क्षेत्रफल, 378 सेंटीमीटर वर्ग। तो अगर तो आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपका तरीका बिल्कुल सेम था करने का तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, और अगर आपका आंसर गलत आया होगा तो देख लीजिए किस तरह से किया है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे मैं आकृति यहाँ पे बनाऊंगा, ये कुछ इस प्रकार होगी, ये एक क्वाड्रेंट यहाँ पे बन गया है, क्वाड्रेंट बना है, यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा और इनके मैं नेम लिख दूंगा, नेमिंग कर दूंगा, ओ ए सी बी और यहाँ पे डी है। अब इसमें एक हिस्सा है जो शेडेड है, वो ये पोर्शन है इसका, छायांकित भाग ये है, ये समझ में आ गया, ये छायांकित भाग है। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई जो ये आकृति दी हुई है इसमें ओ ए सी बी केंद्र और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये दिख रहा है आपको, ये चतुर्थांश है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, और ओडी भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर ओडी होगा। तो आपको क्या करना है कि भाई इनके क्षेत्रफल बताने हैं, किस किस के क्षेत्रफल बताने हैं, आपको क्या बताने हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किस किस के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं वो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए एक तो आपको क्षेत्रफल बताना है चतुर्थांश का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन सा चतुर्थांश, ओ ए सी बी, और दूसरा आपको क्या बताना है, दूसरा आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। अब ये कैसे आप इसको करेंगे अप्रोच, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो देखिए, और कौन सी चीज यूज करके आप ये दोनों आंसर निकाल सकते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो सिंपल है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज आपको दी हुई है, मान आपको दिए हुए हैं, उनको यूज करके निकाल दीजिए। फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा। तो बच्चों आया किसी का आंसर, सीधा बच्चों आपको फॉर्मूला पुट करना है इसमें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 × π r², यही होता है, और थीटा यहाँ पे कितना होगा, चतुर्थांश का थीटा होगा 90 डिग्री, क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री,
तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो जो गिवन है वो लिख लेंगे। तो क्या क्या गिवन है, एक तो त्रिज्या हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है। त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है, त्रिज्या यानी इसको आप आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ओडी यहाँ पे दिया हुआ है, ओडी गिवन है, कितना है ओडी, 2 सेंटीमीटर है। ये दो चीज गिवन है, इनकी मदद से ही आपको ये जो पूछा गया है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, या फिर चतुर्थार्ष OA CB का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो पहला भाग हो गया, चतुर्थार्ष OA CB का क्षेत्रफल। तो चतुर्थार्ष का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थार्ष क्या होता है, एक त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड होता है, लेकिन उसमें थीटा 90 डिग्री होता है, बस यही फर्क है चतुर्थार्ष और त्रिज्याखंड में। तो इसका थीटा हम 90 डिग्री लिखेंगे, बाकी फॉर्मूला तो वही है, पाई आर स्क्वायर। तो 90/360 कितना आ जाता, सीधा ये आ जाता है 1/4, तो हम इसको 1/4 लिख देंगे अगले स्टेप में, इंटू पाई यहाँ पे है 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं हुई है क्वेश्चन में, इसलिए हम 22/7 यूज करेंगे, और आर है 3.5 × 3.5। तो 90/360 कितना हो जाता है, ये 1/4 इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि 9 चौक 36 होता है, इसीलिए अब देख सकते हैं 1/4 आएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं जो क्वाड्रेंट होता है वो त्रिज्याखंड का कितना हिस्सा होता है, 1/4 हिस्सा होता है, इसलिए हम 1/4 इसको लिख देते हैं, 22/7 और 3.5 × 3.5 ये हो गया। तो यहाँ से डेसिमल हटा के हम नीचे एक जीरो हम लगा सकते हैं। अब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7×5 35, ठीक है, 7×5 35 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 आ गया, और ये कितना आ गया, ये 11 आ गया, ना आ गया यहाँ पे 11 आ गया। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 5×2 = 10 आ गया, और ये कितना आ गया, 5×2 = 10, 5×7 = 35 यहाँ पे आ जाएगा। कैंसल आउट जितना होता है आप कर लीजिए, ताकि आंसर निकालने में आपको आसानी हो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा इसका, कितना, 11×77/2×4×8 cm². क्या है ये, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाल दिया यहाँ पे, तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा भाग सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप ये पता होना चाहिए कि भाई दूसरा भाग में क्या पूछा गया है हमसे। दूसरे भाग में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो छायांकित भाग देख लीजिए आप कैसे निकाल सकते हैं। तो एक तो क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल, उसमें से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, कौन सा त्रिभुज, ये देखिए ODB या OBD, जो भी आप त्रिभुज का नाम लेना चाहें, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देते हैं किसमें से, जो पूरा चतुर्थार्ष उसमें से, तो शेडेड एरिया का हमें हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा, तो वही निकालना है। अब हमें क्वाड्रेंट का यानी चतुर्थार्ष का क्षेत्रफल तो पता है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक बार कोशिश कीजिए, फिर हम साथ में करेंगे इसको। तो बच्चों हम सीधा जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभी बताया था मैंने कि जो चतुर्थार्ष है उसका क्षेत्रफल, चतुर्थार्ष
का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ बी डी, त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल। तो बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया था, 77/8 आया था। ठीक है, दोबारा निकालने की क्या जरूरत है, जब हम निकाल चुके हैं इस क्वाड्रेंट का एरिया, हमें क्या निकालना है, अब हमें जो निकालना है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आता है किसी को त्रिभुज के क्षेत्रफल का, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आधार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। फिर से मैं बता देता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे फॉर्मूले में हम रख देंगे वैल्यूज, कितना आ जाएगा, 77/8 है और माइनस 1/2, यहाँ पे बेस कितना है, तो बेस यहाँ पे ओबी जो है उसको बेस बोल सकते हैं, इनटू ओडी जो है उसको हाइट बोल सकते हैं, इनकी वैल्यूज हम रख देंगे अब 8 माइनस 1/2 इंटू ओबी कितना दिया हुआ है, ओबी 3.5 दिया हुआ है, ओबी 3.5 दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फिर से चलते हैं, ओबी कितना है 3.5 और ओडी है 2 सेंटीमीटर, हमने सिर्फ ये वैल्यूज रखनी है बच्चों, इंटू ओडी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको आप कैंसिल आउट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए डेसिमल हटा के 10 लगा देंगे, 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35 यहाँ पे आ जाएगा, 77/8 और माइनस कितना आ गया, 77/8 माइनस 7/2। एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा, 8 एलसीएम आ गया, 77 माइनस कितना आ गया, 2 × 8 और 7 × 28 यहाँ पे आ जाता है। और इसको अगर माइनस करेंगे 77 - 28 तो ये आ जाता है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे बच्चों। तो काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, अब आपका काम है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट हो आप क्लास में यहाँ पे आके अगली क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो क्वेश्चन किए, उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उनको आप प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।